जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है कैडेट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो मैं IMS लेके आया हूँ आपके लिए अगला मॉक, जो कि बेस्ड है आपके NDA के एग्ज़ाम पर और पोस्ट गार्ड के हिसाब से। तो जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे, फटाफट आज हम अगले मॉक पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। किस तरह के सवाल जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में भी बात होगी मॉक पेपर की और बात होगी फिजिक्स के अलग अलग सवालों की। आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट, फेलियर डजंट मीन द गेम इज ओवर, इट मीन्स ट्राई अगेन विद एक्सपीरियंस। और बिल्कुल सही बात है कि फेलियर का मतलब ये कदापि नहीं होता कि अब खेल खत्म हुआ है, जबकि इसका मतलब है कि एक नए अध्याय की शुरुआत है एक अपार अनुभव के साथ। तो चलिए इसी गुड नोट के साथ हम शुरू करते हैं आज का मॉक। और क्या है सवाल, पहले सवाल पर आएंगे। आज का पहला सवाल स्क्रीन पे आपके सामने ये रहा, जल्दी से कॉपी और कलम उठा लीजिए और आंसर करना शुरू कीजिए। क्या आंसर आ सकता है इस क्वेश्चन का? सवाल को बेहद आसानी से पहले पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन में कहा गया है If the energy capital E of a photon is equal to h nu, where nu is the frequency and h is Planck constant, then the dimension of E. यदि फोटोन की ऊर्जा E h nu के बराबर है, जहां nu आवृत्ति और h Planck स्थिरांक है, तो capital E का वीमीय सूत्र बताइए क्या होगा? देखिए फोटोन की एनर्जी बोला गया है, फोटोन की एनर्जी है E is equal to h nu. एनर्जी चाहे कोई भी हो, एनर्जी यानी कि ऊर्जा चाहे कोई भी हो, किसी भी तरह की ऊर्जा हो, ऊर्जा का जो वीमीय सूत्र होता है वो होता है mL²T-2। तो जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर आ सकता है। पहला ही क्वेश्चन था आपका यूनिट एंड डायमेंशन से, तो आंसर आएगा आपका mL²T-2 आएगा या T-1। क्या ये मैंने गलत लिखा है बताइए जल्दी से, mL²T-2 या mL²T-1, जल्दी से बताइए। देखिए अगर आप कभी भी ऐसे केस में कंफ्यूज हो जाएं, तो आप ध्यान में रखिएगा कि जो कार्य होता है यानी कि जो वर्क होता है, वर्क और ऊर्जा का डायमेंशन एक ही होता है। कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, बल का क्या होता है mLT-2, ठीक है, और गुणा गया विस्थापन यानी कि एल। तो एल से एल क्या हो जाएगा, इंटू करना है आपको, एल से एल को क्या करना है, इंटू करना है, तो एल का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर डी होगा। सो डी यानी कि mL²T-2। पहला क्वेश्चन आसान था, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर टू अब स्क्रीन पे आपके सामने, जल्दी से बताइए क्या जवाब आएगा इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर टू में कहा गया है A constant force F is acting on a body. Shape of displacement time graph is. एक स्थिर बल F किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, विस्थापन समय ग्राफ कैसा होगा? क्या ये एक सरल रेखा होगा यानी कि सीधी रेखा होगा, या फिर एक ये पैराबोला होगा, या फिर ये एक सर्कल होगा, या फिर ये हाइपरबोला यानी कि अति परवलय होगा? तो जल्दी से बताइए क्या जवाब आपका आने वाला है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाई अगर कांस्टेंट फोर्स काम कर रहा है किसी बॉडी पर, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो कैसा होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन का जवाब आपको कैसे लिखना होगा, क्योंकि देखिए बेटा फोर्स कांस्टेंट है, एफ कांस्टेंट है, एफ अगर कांस्टेंट है तो एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो यानी कि एम ए आपका कांस्टेंट हो गया, यानी कि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कैसा है कांस्टेंट। अब आप एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट को आप k कह सकते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो v इज इक्वल टू आएगा आपका kt, ठीक है। एक बार अब इसको लिख सकते हैं आप ds/dt लिखेंगे यहाँ पर kt हो जाएगा, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो s इज इक्वल टू आएगा kt²/2, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लगा सकते हैं c जो है। तो ये आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में कैसा रिलेशन है कि s डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पर, t² पर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में कैसा रिलेशन है, स्क्वायर का रिलेशन है,
और दुनिया में जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं, जितने भी द्विघात समीकरण होती हैं, वो प्रदर्शित करती हैं किसको? परवलय को, यानी के पैराबोला। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो जवाब होगा पैराबोला। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर कॉन्स्टेंट फोर्स काम कर रहा है तो आंसर क्या आएगा इसका? आंसर आएगा इसका पैराबोला। चलते हैं आज के तीसरे सवाल की तरफ, आज के मॉक पेपर के तीसरे क्वेश्चन की तरफ नजर दौड़ाते हैं। क्या है तीसरा सवाल अब स्क्रीन पे आपके सामने? तो जल्दी बताइए, इसका आंसर जो है आपको देना होगा कि 7 kg ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड टू टू फोर्सेज, F1 इज इक्वल टू 2i प्लस 30j एंड F2 इज इक्वल टू 8i प्लस 5j। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक 7 kg की वस्तु को दो बल 20i प्लस 3j और 8i प्लस 5j के अधीन किया जाता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में परिणामी त्वरण कितना होगा? आपसे पूछा जा रहा है परिणामी त्वरण कितना होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले आप नेट फोर्स निकालेंगे, एफ नेट। तो एफ नेट में क्या कीजिए, F1 और F2 को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा वेक्टर F1 और प्लस क्या हो जाएगा आपका वेक्टर F2। वेक्टर F1 और वेक्टर F2 को जोड़ेंगे तो 20 और 8 28 हो जाएगा, 28 का आई, और 30 और 5 आपका हो जाएगा 35, यानी कि 35j। अब आपको पता है कि F is equal to तो MA होता है, सो MA is equal to कितना हो जाएगा आपका 28i और प्लस कितना 35j। अब आप M दिया हुआ है क्वेश्चन में 7, तो 7 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। 7 से अगर आप डिवाइड कर देंगे इसको तो ये हो जाएगा A is equal to, ये हो जाएगा 7 × 28, क्योंकि M की वैल्यू कितनी है? 7 है, ठीक है। और प्लस, और इसको करेंगे आप 7 से तो ये 5 आ जाएगा, तो 5j हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब A का मैग्नीट्यूड निकालें बेटा, A का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर द रूट 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है। 16 और 25 को जोड़ लीजिए, 6 × 5 = 11, ठीक है, और 2 × 1 = 3 × 1 = 4 41। देखिए 7 × 7 = 49 होता है और 6 × 6 = 36, तो 6.4 के करीब बनाएगा। तो क्लोजेस्ट आंसर राउंड ऑफ करेंगे जब, तो राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका? 6 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा आपका राउंड ऑफ करने के बाद? आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ध्यान से इस चीज को समझना है कि अगर इस तरह का प्रश्न आपके पेपर में आता है तो कैसे करना होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने ये सवाल बड़े अच्छे से समझा होगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है, अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन, अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेस अ कॉइन अपवर्ड, है ना, ट्रेन में बैठा एक यात्री एक सिक्का ऊपर की तरफ उछालता है, विच फॉल्स बिहाइंड हिम, जो कि उसके पीछे की तरफ गिर जाता है। बोला है इट इंप्लाइज दैट द मोशन ऑफ द ट्रेन इज, चलती ट्रेन में एक यात्री ऊपर की ओर एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे आ जाता है। तात्पर्य यह है कि ट्रेन की गति कैसी है। ट्रेन की गति एक्सेलरेटेड है, ट्रेन की गति यूनिफॉर्म है, ट्रेन की गति मंदित है, या ट्रेन की गति क्या है? अलोंग द सर्कुलर ट्रैक है। देखिए, मैंने सिक्का उछाला लेकिन सिक्का मेरे पीछे जाके गिर गया, यानी कि जैसे ही मैंने सिक्का उछाला होगा तो ट्रेन ने स्पीड जो है पकड़ ली होगी, स्पीड अप हो गया होगा, इसीलिए कॉइन पीछे गिरा। अगर ट्रेन ब्रेक लगा देती तो सिक्का मेरे आगे गिरता। तो यानी कि इसका जवाब होगा क्या? ए, यानी कि ट्रेन कैसी है? ट्रेन एक्सेलरेट हो गई है, यानी कि उसने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया है। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने दोस्त के साथ कर सकते हैं, मोटरसाइकिल पर बैठकर हाथ में गेंद ले लीजिए, गेंद उछालिए और दोस्त को बोलिए एक्सेलरेशन दे, तो जैसे ही वो एक्सेलरेशन देगा तो बॉल आपके पीछे जाकर गिर जाएगी। तो इस बात को याद रखिएगा। और अगर उसके ही हाथ में वापस आ जाए तो आंसर होगा एक समान गति है, और अगर आगे गिर जाए तो आंसर होगा रिटार्डेड होगा। कैसा आंसर होगा? रिटार्डेड। तो तीनों केस मैंने आपको बता दिए कि कब किस समय कौन सा आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक कण जो है एक समान वेग से वृत्ताकार गति कर रहा है। वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इन हाफ साइकिल, आधे चक्र में जो है अभिकेंद्र बल द्वारा कितना कार्य किया गया होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ध्यान से समझिए,
अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो सर्कुलर मोशन में आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो अंदर की तरफ होता है और डिस्प्लेसमेंट आपका ऐसे होता है, दोनों के बीच में कितना एंगल है, दोनों के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 है तो कॉस 90 जीरो होगा। यानी कि चाहे आप आधे चक्कर की बात करो, चाहे आप पूरे चक्कर की बात करो, चाहे आप चौथाई चक्कर की बात करो, तो आंसर क्या आएगा आपका, जीरो। अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो कितना होगा, जीरो। कुछ लोग इसका आंसर सी दे रहे हैं जो कि पूरी तरह से गलत है। आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि जो डिस्प्लेसमेंट है आपका विस्थापन और अभिकेंद्र बल यानी कि आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं यानी कि परपेंडिकुलर, जिस वजह से कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 अब स्क्रीन पर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, अ 80 केजी मैन रन्स अप अ स्टेयरकेस ऑफ 4 मीटर इन 8 सेकंड। इफ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन हिज एवरेज पावर आउटपुट इज। 80 किलो का एक आदमी 8 सेकंड में 4 मीटर की सीढ़ी पर चढ़ता है। यदि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकंड हो तो उसकी औसत यांत्रिक ऊर्जा का उत्पादन कितना होगा। औसत यांत्रिक ऊर्जा उत्पादन का मतलब है पावर आपसे पूछ रहा है, शक्ति आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, शक्ति आपसे पूछी जा रही है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सीढ़ी पे चढ़ने में कितना काम किया गया, MGH, डिवाइड कर दीजिए किससे, टाइम से, तो ये क्या बन गई, पावर। सो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। कितने किलो का आदमी है, 80 किलो का, जी कितना लेना है, 10। कितने मीटर की सीढ़ी है भाई, 4 मीटर की सीढ़ी है, तो 4 मीटर की सीढ़ी है। कितने टाइम में चढ़ता है, 8 सेकंड में चढ़ता है, तो बटे क्या हो गया, 8, 4 दुनी 8, 2 पंजे 10, और 8 पंजे कितना होता है जी, 40 होता है, 8 पंजे होता है 40, और एक जीरो और है, तो आंसर आएगा 400 वाट। तो 400 वाट इसका आंसर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर जो है 6 का जो आंसर है वो 400 वाट है। बड़ा ही साधारण सा सवाल था, ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा। ठीक है, पावर जो होता है वो होता है वर्क अपॉन टाइम। तो आदमी क्योंकि सीढ़ी पे चढ़ रहा है तो वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व आकर्षण के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, और वो कार्य जो होगा वो आपका MGH होगा, और टाइम आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि वो ये काम 8 सेकंड में करता है, तो 8 से भाग करना जरूरी था। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड है यानी कि द्रव्यमान केंद्र से जुड़ा हुआ है। क्या पूछा जा रहा है आपसे सवाल में, सवाल को एक नजर थोड़ा आराम से पढ़ें। क्या कहा जा रहा है सवाल में, 3 मासेस आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस इज 300 ग्राम एट ओरिजिन, 500 ग्राम एट 40 सेंटीमीटर एंड 400 ग्राम एट एक्स इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन, एक्स अक्ष पर 3 द्रव्यमान मूल बिंदु पर रखा है 300 ग्राम, x बराबर 40 सेंटीमीटर पे 500 ग्राम और x बराबर 70 सेंटीमीटर पे भी आपका रखा है 400 ग्राम। तो मूल बिंदु से द्रव्यमान केंद्र की दूरी क्या होगी। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको फॉर्मूला निकालना है x सेंटर ऑफ मास। तो फॉर्मूला नोट कीजिएगा, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन में क्या कर दीजिएगा, अपॉन में कर दीजिएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। ये आप तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। अब आप देखिए कि जो M1 है वो तो ओरिजिन पर रखा है तो ये हो जाएगा 0 गुणा गया 300। अगला देखिए प्लस हो जाएगा, अब अगला जो है 500 ग्राम रखा है 40 पर तो 40 गुणा हो जाएगा आपका 500, और अगला है आपका 400 ग्राम, 400 ग्राम रखा है 70 पर तो 70 गुणा गया कितना आपका 400, बटे कर दीजिए सबको जोड़ दीजिए तो 400 प्लस 500 यानी कि 900, 900 प्लस 300 यानी कि 1200, 1200 से आप इसको भाग कर दीजिए। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर देखिए कुछ इस तरह का होगा। आप देखिए दो जीरो तो आप उड़ा सकते हैं, तो दो जीरो उड़ा देंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 40 गुणा 5 और प्लस यहाँ क्या बचेगा आपका, ये बनेगा आपका 70 गुणा गया 4 और बटे में क्या बचेगा आपका 12। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, आप देखिए 5 चौके 20 हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा आपका 2000, ठीक है,
पांच चौके 20, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना, 20 ये हो गया और एक जीरो आपकी ऑलरेडी है, ठीक है, नहीं 200 होगा, सॉरी 200 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना होगा, 7 चौके 28, ठीक है, तो ये हो जाएगा 280 और बटे क्या हो जाएगा आपका 12। 280 बटे 12 जब आप इसको जो है जोड़ेंगे तो ये 480 बटे 12 हो जाएगा। 12 चौके होता है 48, तो यानी कि आंसर आएगा 40। तो आंसर देखिए 40, ए ऑप्शन में यहाँ बिल्कुल लेटे हुए हैं 40, तो ये देखिए 40 आपका जवाब आ चुका है। कैलकुलेशन को ठंडे दिमाग से करें, गलती होने की संभावनाएं अक्सर रहती है जब इस तरह के आंकिक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में खासकर अपने आपको पेशेंस आपको रखने होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सिली मिस्टेक से आपका आंसर गलत आ जाए। चलते हैं अगले सवाल पर, उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूला आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, मजेदार फॉर्मूला है, कई बार आपको इस पर आधारित जो है क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर आपके सामने। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, एक बार इत्मीनान के साथ यानी कि आराम से इसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। तो ट्रिकी नहीं, ट्रिकी है तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ करना पड़ेगा। रेशियो पूछा गया है रेडियाई ऑफ गायरेशन ऑफ सर्कुलर डिस्क एंड अ सर्कुलर रिंग ऑफ द सेम रेडियाई अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क ऑफ रिंग, डिस्क और रिंग। देखिए आपको बोला गया है कि चकती है आपके पास और एक आपके पास वलय है, तो थोड़ा सा स्पेस फ्री कर लिया जाता है। तो आपसे बोला गया है कि स्पर्श रेखा के अनुदिश उनकी रेडियस ऑफ गायरेशन यानी कि जो परिवहन त्रिज्या है वो कितनी होगी। आप देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप डिस्क की बात कर रहे हैं, डिस्क की बात कर रहे हैं, डिस्क का मतलब है चकती, तो आप इस स्पर्श रेखा के अनुदिश कितना आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, 1/2। देखो अब देखो ध्यान से समझो, पहले डिस्क बनाता हूं, मैंने कहा था क्वेश्चन मुश्किल है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। ये देखो इसके अबाउट कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 1/2 mr² होता है। लेकिन अगर आप डायमीटर के अबाउट करेंगे तो ये क्वेश्चन मैंने एक मॉक में डाला था, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/4, ठीक है, 1/4 mr². लेकिन आपसे पूछा गया स्पर्श रेखा के अनुदिश, तो आप यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम जब लगाएंगे तो इसमें mr² जोड़ दीजिएगा। mr² जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5/4 mr². अब परिवहन त्रिज्या निकालने के लिए आप इसको mk² के बराबर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5/4 और ये हो जाएगा आपका mr². तो m से m काट दीजिए, तो k की जो वैल्यू होगी आपकी वो होगी आपकी √5/2 √5/2 r। तो ये तो डिस्क के लिए तो सॉल्व हो गया है ना, डिस्क के लिए तो सॉल्व हो गया। अब हमें किसके लिए करना है, रिंग के लिए करो, ऐसे ही ऐसे रिंग के लिए करो, क्योंकि बेटा देखो ये तो याद होना चाहिए, अगर ये याद नहीं होगा तो फिर आप कैसे करेंगे, थोड़ा बहुत तो आपको याद करना ही पड़ेगा। देखो ठीक है, अब रिंग ले लो, आप रिंग ले लिया, ये रिंग ले लिया हमने, ये डिस्क था बेटे, ये डिस्क था, यहाँ से सॉलिड होता है ये डिस्क, है ना। अब हमने रिंग ले लिया, तो रिंग में क्या होता है, रिंग में देखिए ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये वाला इस अक्ष के अबाउट जो इस अक्ष के अनुदिश होता है आपका mr², और डायमीटर के अबाउट कितना होता है, ये भी आप लगा सकते हैं, ये भी आपने मॉक में डाला था हमने, देखो ये होता है आपका 1/2 mr² होता है। लेकिन आपसे पूछा है स्पर्श रेखा के अनुदिश, तो ये लीजिए स्पर्श रेखा, तो इसके अबाउट कितना होगा आपका, होगा 3/2 mr², कितना होगा 3/2 mr². तो आप इसकी भी परिवहन त्रिज्या निकाल दीजिए, तो mk² के बराबर कर दीजिए इसको, mk² = 3/2, ये हो जाएगा mr², m से m कट जाएगा और k आपका बचेगा कितना, √3/√2 √3/√2 r। हमने दोनों जगह पर r क्यों रखा, क्योंकि सवाल में बोला गया था कि दोनों का जो रेडियस है वो बराबर है। अब आपसे रेशियो मांगा गया है, जी हाँ रेशियो मांगा गया है इन दोनों का, इस वाले का रेशियो इसके साथ मांगा गया है। अरे एडमिट कार्ड आ गया है तो भाई इस सूचना को सबको पता चल जाएगा, ठीक है, पढ़ोगे नहीं तो एडमिट कार्ड का करो, ठीक है। तो ध्यान से समझो, अब इसका रेशियो ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा √5/2, ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा √3/√2, ठीक है, और आर तो कट ही जाएगा, तो ये हो जाएगा √5 × √2 और बटे में कौन है, बटे में देखिए क्या है, बटे में है आपका 2 और गुणा गया कितना √3, √2 से इसको भाग दीजिए, √2 बार आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √5 ऊपर और नीचे √3 × √2, तो ये बचेगा √6, तो आंसर आएगा √5/6। आंसर क्या आएगा आपका √5/6।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट और इसको बना के देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बना के देखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है रूट फाइव बाई सिक्स, कितना आ रहा है आंसर, रूट फाइव अपॉन सिक्स। उम्मीद करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सवाल बड़ा अच्छा था, बहुत ही लाजवाब सवाल था, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो मजा ही आ जाता है पेपर के अंदर, ठीक है। अगर आपको समझ ना आया हो तो एक बार क्लास के बाद, क्लास के सेकंड वाला समझ में क्यों नहीं आया भाई, सेकंड वाला देखो, ये रिंग है बेटे, रिंग का मतलब है वलय, छल्ला। ये वाला एम आर स्क्वायर होता है, ये वाला हाफ एम आर स्क्वायर होता है। स्पर्श रेखा के अनुदिश 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए, एक बार वापस से रिपीट करके आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है रूट 5/√6, जो कि बी ऑप्शन है, और बी ऑप्शन पूरी तरीके से सही है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल स्क्रीन पे आपके सामने है। क्या कहता है अगला सवाल, देखिएगा। अगला सवाल कहता है इफ द लेंथ ऑफ द इक्वेटर इज अबाउट 40,000 किलोमीटर, यानी कि भूमध्य रेखा की लंबाई 40,000 किलोमीटर है, तो घूर्णन वेग लगभग 1700 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पूछ रहा है कि आप वेलोसिटी बता सकते हैं पोल पर कितनी होगी, ध्रुव पर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ध्रुव पर वेलोसिटी कितना होगा। 5/4 कैसे आया सर, ओहो 5/4 के चक्कर नहीं समझ आया। ये देखो, ये रिंग, ये डिस्क हो गई, ये हो गया आपका हाफ एम आर स्क्वायर, डायमीटर के अबाउट कितना हो गया 1/4 एम आर स्क्वायर। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगाओगे, एम आर स्क्वायर नहीं जोड़ोगे, तो 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, 4 × 4 और 1/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है शिवम कुमार, ठीक है। यानी कि रोटेशन वाला आपका थोड़ा गड़बड़ है चैप्टर। चलो भाई, पृथ्वी के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, तो जो पृथ्वी के बारे में पूछा जा रहा है कि पोल पर आपका ओमेगा कितना होगा। अरे भाई सबको पता है कि वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, और पोल पर रेडियस कितनी होती है, 0। तो पोल पर वी का वैल्यू कितना होगा, 0, यानी कि घूर्णन वेग कितना होगा, 0। ओमेगा 0 नहीं होगा, वी 0 होगा, ठीक है। एम के स्क्वायर क्या था सर, अरे एयरमैन पटेल साहब, परिवहन त्रिज्या पूछी गई थी उसके अंदर, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको एम के स्क्वायर के बराबर कर देते हैं, जहां के को परिवहन त्रिज्या कहते हैं और एम होता है द्रव्यमान, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको जो है दोबारा से देख लीजिएगा, 11वीं की किताब खोलिए, ठीक है। तो पोल पर क्या हुआ, पोल पर ये त्रिज्या 0 हो गई, पोल पर त्रिज्या होने से जो वेग है, वेग का मान कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। क्या हो गया, इसका मान 0 हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये तो एकदम से उड़ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्क्रीन पर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द केपलर लॉ, केपलर के नियम, है ना, केपलर के नियम के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। सर ये टॉपिक पढ़ा दीजिए बेटे, मॉक एक बार कंप्लीट करने दो टॉपिक के लिए। अगर तब तक आपको टॉपिक पढ़ना है तो पुरानी प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन ये मॉक एक बार प्रैक्टिस भी जरूरी है बेटे, कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फायदा कुछ नहीं है। क्या फर्स्ट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट, सही बात है। सेकंड लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ एरिया, सही बात है, गलत ढूंढना है, ठीक है। सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, गलत। सेकंड लॉ किस पर बेस्ड है, सेकंड लॉ बेस्ड है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और जबकि ये बोला गया था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आपको बताना था कि कौन सा गलत है, तो गलत कौन सा आगे बताओ, जल्दी से बताओ, गलत ऑप्शन कौन सा, टाइप करो जल्दी से। गलत ऑप्शन है आपका सी, सी ऑप्शन आपका पूरी तरह से सरासर गलत है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है, प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। प्रेशर कुकर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, तो जल्दी बताइए प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर काम करता है। अरे भाई प्रेशर कुकर क्या करता है, दबाव बनाकर क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है, जिससे चीजें क्या होती हैं, देर में, मतलब पहले उबाल थोड़ा देर में आता है, जिससे खाना जल्दी पक जाता है। तो यानी कि इसका आंसर आएगा ए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, दबाव के आवेदन द्वारा पानी के उबलने वाले बिंदु या क्वथनांक बिंदु को बढ़ा देता है। किसको बढ़ा देता है, क्वथनांक बिंदु को बढ़ाता है। तो आप सबके घरों में प्रेशर कुकर है, तो प्रेशर कुकर में जब दबाव बनता है तो पानी जल्दी नहीं उबलता, देर में उबलता है, और उतने देर तक जो उसके अंदर चावल है,
जो आपने जो है उसके अंदर सब्जी है वो ज्यादा ऊष्मा ग्रहण कर लेती है और वो जो है गल जाती है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था कि प्रेशर कुकर कैसे काम करता है, और पहाड़ों में तो बिना प्रेशर कुकर के काम ही नहीं कर सकते। बोला गया है द सोर्स एंड सिंक टेम्परेचर ऑफ अ कार्नोट इंजन इज 400 केल्विन एंड 300 केल्विन, इट्स एफिशिएंसी इज, एक कार्नोट इंजन का स्रोत और सिंक का तापमान 400 और 300 है केल्विन है, इसकी दक्षता कितनी होगी? तो जल्दी से बताइए, ठीक है, जल्दी से बताइए फॉर्मूला क्या होगा। नीटा इज इक्वल टू 1 - T2/T1, ठीक है, T2 को क्या कहते हैं, सिंक का टेम्परेचर जो लोअर तापमान होता है, ठीक है, तो 1 माइनस कितना हो गया 300 बटे कितना 400, जीरो से कट गए जीरो, तो चार ये हो गया आपका 1/4, 100 से गुणा कर दो, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करो तो कितना प्रतिशत बनेगा, 25% बनेगा, तो आंसर कितना आ गया आपका 25% आंसर आ गया, ठीक है। तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी याद रखना, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी होती है नीटा बराबर कितना 26, कौन कह रहा है भाई, कौन है 26 वाला, ठीक है, आयुष वर्मा 26 कैसे लिख दिया भाई, ठीक है, हरेंद्र भाई 20 कैसा आ गया तुम्हारा, गुणा भाग सही से करो नालायक बच्चों, ठीक है, गुणा भाग भी नहीं कर रही है, 1/4 को 100 से गुणा करूंगा तो क्या कटेगा, कितनी बार भाग जाएगा, 100/4 करोगे 25 नहीं आएगा क्या, बताओ 20 लिख रहा है नालायक, 5 होता तब तो 20 मानते भी हम, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल पे आते हैं, ठीक है, कमेंट में लिखो सॉरी लिखो भाई, ये क्या तुम गलत गलत गुणा करके बताते हो, अगला सवाल क्या है, ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि द ब्राइटनेस ऑफ अ स्टार डिपेंड्स ऑन, ठीक है, ब्राइटनेस जो है तारे की जो चमक है वो किस पर निर्भर करती है, तो याद रखिए तारे की जो चमक है वो उसके आकार पे भी निर्भर करती है, उसके तापमान पे भी निर्भर करती है, और साथ ही साथ दूरी पर भी निर्भर करती है कि वो तारा हमसे कितनी दूर है। तो एनडीए का PYQ है 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप बना लीजिए, तो आंसर आएगा साइज टेम्परेचर एंड डिस्टेंस, ठीक है, तो तारे की जो चमक है वो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तारे का तापमान निकालते हैं किससे, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, नाम याद रखना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बताओ जल्दी से, दो कॉन्वेक्स लेंस है जिनकी फोकल लेंथ क्या है, F1 और F2 है, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, जिनके मध्य कितनी दूरी है, d दूरी है, द कॉम्बिनेशन विल वर्क एज अ ग्लास स्लैब, दोनों का जो युग्म है वो एक कांच की भांति कब व्यवहार करेगा, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। अगर मान लेते हैं दोनों को कंबाइन में रखा है तो 1/F = 1/F1 + 1/F2 - dF1F2, फॉर्मूला याद रखना प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला कब लगता है, जब दोनों के बीच में कुछ गैप होता है, ठीक है, तो 1/F = कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से, ये हो जाएगा आपका F1 + F2, ठीक है, और माइनस कितना d अपॉन कितना F1 F2। ग्लास स्लैब की फोकल लेंथ कितनी होती है, ग्लास स्लैब की फोकल लेंथ अनंत होती है, तो ये जीरो कब आएगा, ठीक है, अगर भाई ये जीरो आएगा तभी तो अनंत होगी, है ना भाई, ऊपर जीरो कब आएगा, ऊपर जीरो तब आएगा जब F1 + F2 किसके बराबर होगा, D के बराबर होगा, तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा सही है, A ऑप्शन के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था, है ना, कि इसका आंसर A भी हो सकता है, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला नहीं पता था। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जिन लोगों ने गैस किया था डी सी वो सब तुक्का मारा था, है ना, तुक्का मारा था, लॉजिक किसी के पास नहीं था, है भाई, लॉजिक नहीं था तुम्हारे पास, और बिना लॉजिक के हुआ क्वेश्चन में गड़बड़ी, और क्वेश्चन में गड़बड़ी तभी होती है जब हमें फॉर्मूला याद नहीं होता है। तो कृपया ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ इन सबको नोट करते हुए चले, नोट नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, हाँ, जिसको पता था उसका तो बढ़िया है, और जिसने तुक्का मारा उसका तुक्का देख लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुक्का हर बार सही नहीं होता, कभी कभी तुक्का जो है मुक्का भी बन जाता है पेपर में, है ना, तो तुक्का नहीं मारना है, हाँ, 1-2 पे चलता है बाकी पे नहीं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 अब स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द सीलिंग ऑफ अ कंसर्न्ड हॉल आर जनरली कर्व्ड, जो ऑडिटोरियम होता है जैसे जहां पे सभा होनी है कोई, है ना, तो या सिनेमा हॉल, उसकी छत ना थोड़ी घुमावदार होती है ना, तो क्यों होती है घुमावदार, जल्दी बताइए, क्या कह रहा है कि बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द साउंड टू द ऑडियंस, बिकॉज दे कैन अब्सॉर्ब नॉइज, या फिर टू हैव बेटर एरिएशन इन द हॉल, हॉल में बेहतर वातन के लिए, या फिर एज एनी साउंड आउटसाइड कैन नॉट पास थ्रू द सीलिंग,
देखो घुमावदार बनाने के पीछे एक कारण होता है, घुमावदार बनाने के पीछे एक कारण होता है इस तरह से कि जो साउंड वेव है टकरा के वो क्या होती है ऑडियंस तक, जहां भी ऑडियंस बैठी है वहां तक पहुंचती है, तो क्योंकि दे रिफ्लेक्ट साउंड टू दी ऑडियंस। तो जवाब आएगा ए, ठीक है, जवाब आएगा ए। ए इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब, ठीक है, ए इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब। चलते हैं आगे। इफ अ लाइट सोर्स इज लीनियर देन शेप ऑफ अ वेव फ्रंट, यदि प्रकाश स्रोत रेखिक है तो तरंगाग्र कैसा होगा, कक्षा 12 में बताइए, ठीक है। रेबरी देखो कितना अच्छा, आयुष वर्मा लेकर रेवरिब्रेशन कहते हैं इसको, बहुत बढ़िया लगा मुझे, आपको नॉलेज है, ठीक है। अगर लीनियर है लाइट सोर्स तो कैसा होगा भाई, सिलेंड्रिकल होगा, कैसा होगा ये सिलेंड्रिकल होगा, तो सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार होगा, तो याद कर लीजिए अगर, और अगर अगर आपका पॉइंट सोर्स है बिंदु सोर्स है तो कैसा होगा स्फेरिकल होगा, और अनंत से प्रकाश आ रहा है तो कैसा होगा समानांतर प्रकाश किरण है तो कैसा होगा समतल होगा। ये तो आपने कक्षा 12 के वेव ऑप्टिक्स का पहला ही पार्ट है उसमें पढ़ा होगा इस बारे में, ठीक है। तो चलते हैं आज के 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां कहां गया, 15 के बाद 17 है सीधा, अच्छा 15 दो बार था, कोई बात नहीं, 15 दो बार था, कोई बात नहीं, जो 15 दो बार था वो दूसरे वाला 15 16 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, ये भी लाजवाब क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताइए जरा इस क्वेश्चन का जवाब मुझे बताइए। अ टैप सप्लाई वाटर एट 22 डिग्री, अ मैन टेक्स 1 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट, एक मिनट में वो 1 लीटर पानी निकालता है और गीजर से निकाल रहा है, और गीजर कितने पे है 37 डिग्री पर है, तो पावर बताइए गीजर की कितनी होगी। तो ये पहले तो आप ये निकालिए, देखो पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो क्यू अपॉन टी कर दीजिए, पानी को गर्म होने में कितना एनर्जी चलेगा MC delta T, कितना MC delta T, और बटे में लिख दीजिए टाइम। 1 लीटर पानी लगभग 1 किलो के बराबर है, लास्ट मॉक में बताया भी था, ठीक है। तो 1 किलो पानी, और पानी का उष्मा धारिता स्पेसिफिक हीट होता है 4200 जूल में, और कैलोरी में कितना होता है, कैलोरी में कितना होता है वन लेना है, वन, ठीक है, कैलोरी पर डिग्री में 1 होता है और जूल में होता है 4200 जूल पर केजी, ठीक है। डेल्टा टी 37 डिग्री पर पानी आपको मिला और पानी था 22 डिग्री, तो 37 में से 22 घटाओ जल्दी से, 37 में से 22 घटाओ बताओ कितना आ गया, 37 में से 22 घटाओ 15 आ गया, 37 माइनस 22 कितना आ गया 15, कितने मिनट में लेता है भाई, 1 मिनट में, 1 मिनट का मतलब है कितना 60 सेकेंड, तो 0 से पहले 0 काट दो, ठीक है, या 15 चौके 60 कर दो ना सीधा, ठीक है, 15 चौके 60 और 4 से इसको भाग कर लो, तो ये कितना हो गया 4 कम 4 बचा 2, पाड़ा चलता नहीं है 0, 4 5 20 और बाकी बची 0, तो 1050 वॉट होगा। कितने वॉट का है गीजर, गीजर कितने वॉट का है 1005 का, ठीक है। क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, हाँ जी एनडीए में दोनों में रहता है, एक पन्ने में हिंदी में एक पन्ने में इंग्लिश में, ठीक है, तो दोनों पन्ने पढ़ना कोई अगर भाषा समझ में ना आए। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, ये था करंट इलेक्ट्रिसिटी से, जहां आपसे पूछा जा रहा था कि गीजर की पावर बताइए गीजर की कितनी होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 अब स्क्रीन पे आपके सामने, आइए चलिए बताइए क्या कह रहा है। एन EMF ऑफ 5 वोल्ट इज प्रोड्यूस बाय अ सेल्फ इंडक्शन व्हेन द करंट चेंजेस एट अ स्टेडी रेट ऑफ 3 एम्पियर टू 2 एम्पियर इन 1 मिली सेकेंड, द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, फॉर्मूला कौन सा लगेगा स्वप्रेरण के लिए, स्वप्रेरण के लिए I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है E बराबर क्या होता है, E बराबर माइनस को छोड़ दो DI/DT, क्या होता है DI/DT, तो E कितना है 5 वोल्ट, L आपसे पूछा जा रहा है कितने एम्पियर करंट, 3 एम्पियर से 2 एम्पियर हो गई, तो 3 एम्पियर से 2 एम्पियर का मतलब क्या हुआ 1 एम्पियर का चेंज हो गया, और कितना टाइम लगा 1 मिली सेकेंड यानी कि 10^-3, गुणा कर दो इसकी L निकालो फटाफट, L कितना हो गया 5×10^-3 और माइनस के 3 को बोलते हैं मिली, तो आंसर आ गया 5 मिली हेनरी, तो आंसर कितना आ गया आपका 5 मिली हेनरी, तो आंसर कितना आ रहा है भैयो, ठीक है 5 मिली हेनरी आंसर आ रहा है, ठीक है। फॉर्मूले सारे नोट करते रहना, NDA का जब पेपर आएगा तो पेपर का एक एक क्वेश्चन बता दूंगा कौन से मॉक से आए, ठीक है, मॉक का नंबर और क्वेश्चन नंबर बता दूंगा कि कौन से मॉक से क्या क्वेश्चन आया, तो इसलिए फॉर्मूले याद रखना है सबने, फॉर्मूले गलत नहीं करने,
फॉर्मूले अगर भूल गए तो सोच लो, जैसे पुरानी कहानियां तुमने सुनी बचपन में, राजा की जान एक तोते में हुआ करती थी, उसी तरह फिजिक्स की जान कहाँ है उसके फॉर्मूले में। फॉर्मूला याद रहेगा तो कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, ठीक है, कैलकुलेशन बहुत आसान आएगी, फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तोते की, तोता जो है, जो मतलब इसको बचा के रखिएगा। 4200 कैसे आया सर लास्ट क्वेश्चन में? आयुष वर्मा जी आपको बताना चाहूंगा कि ये स्पेसिफिक हीट है, ऊष्मा धारिता है जल की, जल की ऊष्मा धारिता 4200 जूल पर कैलोरी होता है, सॉरी पर केजी होता है, पर डिग्री सेल्सियस, और कितना होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये तो आपको याद होना चाहिए, कक्षा 9 की बात है या फिर ये कक्षा 10 की बात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है सर? कभी फुल फॉर्मूले लीजिए, बिल्कुल लगाएंगे, पूरे फॉर्मूले लगा देंगे एक दिन। आप पढ़ते रहो, जो जो आप बोलोगे मैं करता रहूंगा, आप पढ़ने चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, व्हेन अल्फा पार्टिकल कैप्चर एन इलेक्ट्रॉन। भाइयों अल्फा पार्टिकल होता क्या है? अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम एटम से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। हीलियम से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए? दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, तो क्या बन गया? अल्फा पार्टिकल। एक इलेक्ट्रॉन इसने कैप्चर कर लिया तो हीलियम के ऊपर कितना आवेश? 1+, तो क्या बना? हीलियम आयन। क्या बना जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या बना? हीलियम आयन बन गया, ठीक है। और अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन ले लेता तो क्या बन जाता? हीलियम एटम बन जाता। दोनों ही इलेक्ट्रॉन ले लेता तो कितना बन जाता? हीलियम एटम बन जाता, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को, अल्फा पार्टिकल का मतलब है डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम। हीलियम एटम से दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लो और जो भी कुछ बचेगा उसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है, अल्फा पार्टिकल का जो द्रव्यमान होता है, वो प्रोटॉन का कितना? 4 गुना, ठीक है। और आवेश कितना होता है? 2 गुना। ये भी सवाल आ चुका है, ठीक है, क्योंकि हीलियम होता क्या है? 2He4, है ना। तो मास कितना? 4 गुना, द्रव्यमान 4 गुना, और आवेश कितना? 2 गुना। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए फटाफट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन अमंग द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज एसोसिएटेड विद लार्जेस्ट चेंज इन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा के सबसे बड़े परिवर्तन से जुड़ा हुआ है? आपने कक्षा 12 तो की होगी, मैं भी मजाक कर रहा हूँ, लॉकडाउन में तो स्कूल गए ही नहीं आप, चलो कोई बात नहीं। तो ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, हाइड्रोजन परमाणु के nवें ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, है ना, ये तो पढ़ा ही होगा। तो एक बात तुम मुझे बताओ, अगर मैं पहला स्तर लेता हूं तो कितना आएगा? -13.6, और अगर मैं दूसरा लेता हूं बच्चा तो ये आएगा आपका 10.2, कितना? 2। कितना आएगा? 10.2, एक मिनट, 10.2 नहीं, ये आएगा 4×3 = 12, 3.4, ठीक। तो सबसे ज्यादा जो गैप आता है वो पहले और दूसरे के बीच में होता है, याद रखना, सबसे ज्यादा जो गैप है वो किस किसके लिए है? वो पहले और दूसरे के बीच में है, ए और बी के बीच में है। तो मित्रों इस सवाल को गलत ना कीजिएगा, ये सवाल जो है घूमता हुआ मिलेगा आपको। और मैं ऑलरेडी कह रहा हूँ, आज भले ही बच्चे लाइव क्लास में कम हो, लेकिन वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम प्रश्न पत्र लेकर और आपको मॉक के साथ बताएंगे कि मॉक नंबर 5 से ये क्वेश्चन आया, मॉक नंबर 6 से ये क्वेश्चन आया, जितने भी क्वेश्चन एनडीए फिजिक्स में आएंगे वो मॉक से ही आएंगे, और मैं सारे पेपर लेके दिखाऊंगा, तुम्हें तुम्हें क्लिप काट काट के बताऊंगा कि ये कौन से मॉक में मैंने बताया था आपको। इसलिए पूरे सिलेबस के चक्कर में ना पढ़ो, जो भी मैं मॉक में आपको क्वेश्चन बता रहा हूं उससे रिलेटेड जो मैंने बताया है, अगर आप इतना ही याद रख लो, अगर आप इतना ही याद रख लो तो वही काफी है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अंकित कह रहा है कि हम रोज पढ़ते हैं आपसे, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए सर जी आप पे फुल कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल, अरे जब हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं और फिर क्वेश्चन पेपर आएगा इसी से, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज डिटरमाइंड बाय विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दौरान प्रेरित ईएमएफ की दिशा किस नियम द्वारा निर्धारित की जाती है। हाँ रोज पढ़ाते हैं सर, बिल्कुल,
हम शनिवार और रविवार को नहीं पढ़ा रहे हैं फिलहाल, ठीक है। अब होली के बाद हम सातों के सातों दिन पढ़ाएंगे, ठीक है, और क्लास भी बड़ी कर देंगे आपकी। तो देखिए, प्रेरित धारा की दिशा का नियम देने वाले कौन है? लेंज लॉ, क्योंकि लेंज कहते हैं कि प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उसी कारण का विरोध करते हैं जिनसे उनकी स्वयं उत्पत्ति हुई है। इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द कॉज फ्रॉम इट फ्रॉम विच दे प्रोड्यूस, ठीक है, जिससे वो स्वयं उत्पन्न हुए हैं। तो याद कीजिएगा, लेंज ने बताया था ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 बताइए क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू लाप्लास द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इज, लाप्लास के अनुसार माध्यम में ध्वनि का संचरण कैसा एक घटना है। देखिए, आइसोथर्मल किसने कहा था? ये न्यूटन अंकल ने कहा था। किसने कहा था जल्दी बताओ? न्यूटन ने कहा था, लेकिन न्यूटन ने, लाप्लास ने उसके अंदर करेक्शन किया और उन्होंने कहा कि ध्वनि इतनी तीव्र गति से जाती है कि कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, संपीड़न विरलन इतनी तेजी से होता है कि ऊष्मा का संचरण संभव नहीं है। तो ये कैसा प्रक्रम है? ये एक रुद्धोष्म प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है? ये एक रुद्धोष्म प्रक्रम है, ठीक है। याद रखिएगा, लाप्लास ने क्या बताया था? प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इज एडियाबैटिक, ठीक है। कैसा है? रुद्धोष्म है। और ये समतापीय किसने बताया था? न्यूटन। हाँ, न्यूटन वाले अंकल बोलेंगे तो ये पहला वाला हो जाएगा, ठीक है। तो अब न्यूटन ने कहा था v इज इक्वल टू क्या होता है? p बाई रो होता है। लाप्लास है, बोला नहीं न्यूटन अंकल, तुम गलत कह रहे हो, v बराबर क्या होता है? अंडर रूट गामा p बाई रो होता है। ये लाप्लास का फॉर्मूला है। तो आंसर क्या आएगा? एडियाबैटिक फिनोमिना, यानी कि रुद्धोष्म। सी और डी तो किसी के लिए भी नहीं, ठीक है। तो याद रखिए, इनको नोट कीजिए, नोट कीजिए। हैं, गलत बात नोट नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। कैसे भाई, कैसे एग्जाम में तुम सही करोगे फिर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? गलत ढूंढो, गलत 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 ढूंढो। हाउस होल्ड सर्किट में सब सब पैरेलल होता है, सही बात है, ये तो सबको पता है। गाँव में जितने भी है सबको पता है। फ्यूज वायर लो मेल्टिंग पॉइंट की होती है, सबको पता है, है ना, फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू न्यूट्रल, गलत। फ्यूज वायर कहाँ लगाई जाती है? लाइव वायर में लगाई जाती है, ठीक है। कहाँ लगाई जाती है? लाइव वायर में लगाई जाती है, लाइव वायर में लगाई जाती है। चलिए चलिए, तो भाई कौन सा आंसर आ गया? गलत ढूंढना था तो गलत ही हो गया। हाँ, ये भी पूछ सकता है कि फ्यूज कहाँ लगती है? लाइव में, क्योंकि आने लाइव क्या करता है, जो जिसको आप, अरे गांव में नहीं बोलते, फेज न्यूट्रल अर्थ। तो फेज का मतलब लाइव वायर, जो करंट लाती है। न्यूट्रल क्या करता है? करंट को वापस ले आती है। और अर्थी, अब एक बात बताओ, आप जो है चौकीदार को कब कहां खड़ा करोगे? बाहर, उसी वहीं तो खड़ा करोगे जो एंट्री का गेट है, या एग्जिट वाले गेट पे खड़ा करोगे? भाई अगर तुम्हें चोरों से हिफाजत करनी है तो वहीं तो रोकोगे जहां पे चोर आ सकते हैं जहां से। तो भाई तुम फ्यूज कहां लगाओगे? लाइव वायर में लगाओगे। अब न्यूट्रल में लगा दिया, घर का सारा सामान जल गया, है, पड़ोसी भी आ गए कि भाई साहब कोई बात नहीं, तुम्हारा सामान जल गया, और फ्यूज जला ही नहीं, है, फ्यूज वैसा का वैसा ही। तो क्या फायदा ऐसे फ्यूज का? क्या फायदा ऐसे फ्यूज का जो घर के सामान जलाने के बाद जले? तो भैया कहां लगाना चाहिए? लाइव वायर में लगाना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला सवाल क्या कहता है? विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस बाय द साउंड वेव इन एयर, कौन सा ध्वनि द्वारा उत्पन्न नहीं किया जाता? देखो, ध्वनि जो है सिर्फ पोलराइजेशन नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? पोलराइजेशन। क्योंकि पोलराइजेशन कर सकती है ट्रांसवर्स वेव, और लाइट कैसी वेव है? ट्रांसवर्स। और ध्वनि कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल को कहते हैं हम लोग अनुप्रस्थ। क्या? अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य? अनुदैर्ध्य कहेंगे, ठीक है, अनुदैर्ध्य कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल को। तो ध्वनि में क्या नहीं होता? पोलराइजेशन नहीं होता, बाकी सारी घटनाएं होती है। आज का आखिरी सवाल स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी बताओ, गलती की गुंजाइश नहीं होगी आज के मॉक में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव यूज इन टीवी, टीवी के रिमोट में कौन सा वेव यूज होता है? ये हमारा एसी का रिमोट है, मैं इसका बटन दबा के दिखाता हूँ। दिख रहा है कुछ? नहीं दिख रहा है, लाइट जलेगी हल्की हल्की सी। ये देखो जल रही है, ये देखो, ये कौन सी वेव? अब वैसे मैं देखूंगा वैसे नहीं दिखाई देगी, लेकिन मैं कैमरे के आगे ले जाऊंगा। देखो, दिख रहा है? लाल लाल जल रहा है, देखो हल्का सा लाल लाल। देखो और क्लोज ले लेता हूँ, ये देखो, ये देखो। तो ये कौन सी वेव है? इसको कहते हैं इंफ्रारेड। क्या कहते हैं इसको? इंफ्रारेड।
अवरक्त है। कौन सी है? अवरक्त। अगर आपको कभी चेक करना हो कि आपका रिमोट सही है नहीं है, अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करना और कैमरे के आगे ऐसे बटन दबा के देखना, ये देखो लाल लाल लाइट जलेगी ऐसे, है ना। तो अगर लाइट जल रही है तो उसका मतलब वो बटन क्या है, सही है। सर ये रेड लाइट है, नहीं वैसे नहीं दिखाई देगी तुम्हें, वैसे नहीं दिखाई देगी बटन दबाओगे, ये क्या है, इंफ्रा रेड एलईडी लगी है। क्या लगी है? एलईडी लगी, ठीक है। तो चलिए आगे अगले मॉक की शुरुआत करेंगे कल, तब तक के लिए आज का सारा जितना भी मॉक है उसको फॉर्मूले लिख डालो, कॉपी बना लो एक, है ना, हर मॉक में जो भी बताता हूं उसको कॉपी में नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि फिर पेपर से पहले कॉपी रिवाइज करते हुए चले जाना। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ नए सवालों के साथ, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।